फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के एक T20 मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच होने वाला है होवर्ड हुरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 19 दिसंबर को इंडिया टाइम के अनुसार 1:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी ऑरोरा स्टेडियम लैंचेस्टर ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स की बात करें तो जहां 5 मैच में 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो 5 मैच में 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही। तो गाइस, यहां पे टीम फॉर्म में देखें तो पर्थ स्कॉचर्स आगे चल रही है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेस में। तो पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स की देखें तो 4 मैच जीत के आ रही है, तो ही पर्थ स्कॉचर्स 6 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में और ओवरऑल चेक करते हैं। तो पहली कंपेरिजन की बात करते हैं विनिंग परसेंटेज, तो होवर्ड हुरिकेन्स का 40% है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 80% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स का 158 है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 160 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स का 206, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 196 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो होवर्ड हुरिकेन्स का 126 है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 127 है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं आज के मैच वेदर कैसी रहेगी। क्लियर रहेगी, 11 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 90% रहेगी, वहीं 20% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं पिच की ओर। तो इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 139 होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग भी ले सकती है, बॉलिंग भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है उस टीम के कैप्टन के ऊपर। पिच के सरफेस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतती है तो बॉलिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पर अभी तक टोटल 7 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की खासियत की बात करें तो इस पिच पर बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बॉलिंग को इस पिच पे स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, बट बैटिंग और बॉलिंग यहाँ पर दोनों सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है पर्थ स्कॉचर्स। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, फर्स्ट मैच खेल के आई काफ़ी अच्छा विनिंग के साथ। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो वहीं दूसरे के बीच मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स के की प्लेयर की बात करें तो DRC शॉट, मैथ्यू वेड, जिमी निशम, जोएल पेरिस, वहीं टीम डेविड। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स के की प्लेयर की बात करें तो जॉस इंग्लिश, एरोन हार्डी, एडम लीथ, टॉन टर्नर। तो ये ने दोनों टीमों की प्लेयर्स जो आज के मैच में परफॉर्म अच्छी कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पर्थ स्कॉचर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।